नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बीती रात महिला चिकित्सक की लाश उसके निवास में मिली। बंद कमरे के अंदर लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप का माहौल। महिला अपने पति के साथ गढ़ के नई गढ़ी मार्ग में क्लिनिक चलाती थी। सबको इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसके आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ। बीती रात गढ़ में महिला चिकित्सक की लाश बंद कमरे में मिली। इलाके में सनसनी फैली। पति पत्नी दोनों डॉक्टर, गढ़ के नई गढ़ी मार्ग में दोनों का क्लिनिक। शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ कस्बे में उस समय हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब एक महिला डॉक्टर का शव उसके घर के अंदर बंद कमरे में मिला। मौके पर तत्काल ही लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने महिला का शव दरवाजा तोड़कर निकाला, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने मौके का मुआयना करके साक्ष्य एकत्र किए। फिंगरप्रिंट लेने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने क्या कुछ कहा। कहिए। शाम को वो अंदर लेटी, पैर में तकलीफ थी, दर्द की दवाई खा करके, और सुबह देखा गया किवाड़ खुखा है, खड़खड़ाया गया तो खुला नहीं, और देखा गया तो भैया सुबह वो नहीं रही, तो किवाड़ खोल करके देखा गया तो सुबह नहीं रही। पुलिस को सूचना दी गई, उनके मायके में सूचना दी गई, परिजन आए, सूचना के अधिकार में हम लोग यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई के बाद मर्चरी के लिए आकर के डेड बॉडी को रात में रखे हैं। पीएम का इंतजार कर रहे हैं, पीएम हो जाए तो हम टेस्टी के लिए तो प्रयागराज में रहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मैं उस मेरे छोटे भाई का, छोटे भाई की बहू, मैं डॉक्टर रोहित तिवारी, वो डॉक्टर अतुल तिवारी की वाइफ डॉक्टर मंदाकिनी तिवारी, उनका नाम तक तो नहीं रही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।